हेलो गाइस, आप सभी का पाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है मिक्स वेज बनाना। तो आइए बनाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मिक्स वेज। मिक्स वेज बनाने के लिए ये हमने 3 गाजर ली हैं, इनको इस प्रकार से लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। 3 ही हमने आलू लिए हैं, इसको भी हमने लंबाई टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 छोटा गोभी का फूल लिया है, इसको हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़ी सी हमने फलियां ली हैं, इसको भी हमने लंबाई में कट कर लिया है। 1 कटोरी हमने मटर लिए हैं और ये कुछ मसाले लिए हैं, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा ही चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और आधा ही चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम मिक्स वेज सब्जी बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, अब कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल डालूंगी। ये ऑयल मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है क्योंकि हम सब्जी को फ्राई नहीं करेंगे। अब ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। और साथ में ही मैं ये मसाले डाल दूंगी सारे। मसाले ऑयल में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं ये सारी सब्जियां डाल दूंगी इसके अंदर। और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं इसके अंदर ये मटर भी डाल दूंगी और इन्हें भी मिक्स कर लूंगी मैं। सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकने दूंगी और इसे मैं मीडियम ही गैस पे पकने दूंगी। तो आइए सब्जी चेक करते हैं। और ये हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। और आलू को भी चेक कर लेते हैं हम। और ये हमारे आलू गल चुके हैं, देखो कितने बढ़िया से गले हैं। अब मैं इसमें ये खूब सारा धनिया डाल दूंगी। और साथ ही ये मैंने पनीर लिया है, ये 50 ग्राम के आसपास मैंने पनीर लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। और 1 मिनट के लिए इसे मैं गैस पे ही थोड़ा सा भून लूंगी। हमारी सब्जी भून चुकी है अच्छे से और अब मैं इस सब्जी को एक बाउल में सर्व करूंगी। तो मैं बंद कर देती हूँ और सब्जी को मैं एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। और ये हमारी मिक्स वेज बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने मिक्स वेज सब्जी बनाकर तैयार करी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।